अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। तो आज मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ ऑन द टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, नफ्सियात का तारुफ। शुरू करते हैं। दुनिया में जिस कदर अलूम मौजूद है, इन सब का मौजू मुतालिया डायरेक्ट इंसान नहीं बल्कि मुजाहरे फितरत है और इंसानी लगन, शौक और स्ट्रगल की बदौलत इन अलूम ने हैरत अंगेज तरक्की की है। इंसान ने पूरा अर्ज़ पर कदम रखते ही किर्द पेश के हालात का जायज़ा लेने की ज़रूरत महसूस की। कायनात में मौजूद अशिया का मुशाहदा उसके लिए हैरत और दिलचस्पी का बाइस बना। इंसान अपनी फितरत के साथ तजस्सुस, दरियाफ्त और ईजाद की खूबियाँ लेकर आया है, लिहाजा उसने अपनी ज़हानत, फिक्र, अक्ल व इस्तदलाल से कायनात के बहुत से सरबस्ता राजों से पर्दा उठाया। खारजी हालात उसकी कोशिशों और मकासद के हसूल की राह में रुकावट का बाइस भी बने, मगर इसकी जस्तजू और तलब तहकीक ने उसे साइंसी आलूम से आगाह और रुशनास किया। रफ्ता रफ्ता तरक्की करते हुए वो आज साइंस और टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में पहुंच गया है। उसने अपनी सहूलत के लिए हैरत अंगेज इजादात की हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मसाइल, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स और उलझनों में फंस कर रह गया है। तमाम तर साइंसी आलूम और साइंसी इजादात उसकी ज़ात में पैदा होने वाले खुला और तशनकी को ख़त्म नहीं कर सके, लिहाजा इस बात की ज़रूरत को महसूस किया गया है। इंसानी ज़हन के मुख्तलिफ कैफियात का मुतालिया किया जाए और इंसानी ज़हन के मुख्तलिफ कैफियात का मुतालिया करने के लिए हमें फ़र्द के एहसासात, जज्बात, ख्यालात, ख्वाहिशात के इजहार और शौरी किरदार का मुतालिया करने की ज़रूरत है, उसे जानने की ज़रूरत है। नफ्सियात क्या है? नफ्सियात फितरत इंसानी के मुतालिये का नाम है। अगर गौर करें तो हर फर्द एक मुनफरद नफ्सियाती इकाई है। नफ्सियात में होता क्या है? नफ्सियात में इंसान के किरदार और उसके मुख्तलिफ सरगर्मियों, एक्टिविटीज़ और दिलचस्पियों को ज़ेर बहस लाया जाता है, डिस्कस किया जाता है और फ़र्द के ज़हनी अमाल व किरदार का मुतालिया साइंसी अंदाज में किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं, साइकोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। हम जानते हैं कि फ़र्द एक खानदान, ग्रुप, माशरे और कौम की सूरत में मिलकर रहता है, दूसरे अफराद से ज़ुबान के ज़रिए ताल्लुकात कायम करता है। इंसान की फितरत महज अपने हम जन्सों से ताल्लुकात कायम करने से ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि उसके अमल और किरदार से ज़ाहिर होती है, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर से ज़ाहिर होती है, जो कि उसे माहौल में एडजस्टमेंट अख्तियार करने में मदद देते हैं। जैसे जैसे फ़र्द ने अपनी ज़ात में दिलचस्पी लेना शुरू की, वो अक्सर इस बात पर गौर करता है कि उसकी ज़हनी सलाहियतें किस तरह उसकी ज़ात पर असरअंदाज होती हैं। वो मुख्तलिफ एहसासात और जज्बात से कैसे आगाह होता है, नींद के दौरान ख्वाब क्यों नज़र आते हैं, कभी कभी फ़र्द अपने अंदर से उठने वाले इन सवालों के जवाब खुद ही दे डालता है,
मगर सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। वो शुरू में तो इन तमाम ज़हनी कैफियात की वजह मफूक अल फितरत अनासर को ठहराता है और कभी रूह को उसका ज़िम्मेदार समझता है। आहिस्ता आहिस्ता फ़र्द के यही ख्यालात मंजम शक्ल में तरतीब दिए जाने लगे और बकायदा एक इल्म की शक्ल अख्तियार कर गए और यही इल्म नफ्सियात का इल्म कहलाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए कि नफ्सियात क्या है, तो हम कह सकते हैं कि नफ्सियात एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है, मज़मून है, जो आपको आपके अंदर का इल्म, इनर नॉलेज, इनर इंफॉर्मेशन, आपके अंदर का इल्म और आपके माहौल का इल्म देता है।